हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति शुक्ला आज आपसे डाइट ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस पे डिस्कस करने आई हूँ। देखिए, अब बच्चों की परीक्षाएं आ रही हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की भी परीक्षाएं आ रही हैं, तो इस समय बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जामिनेशन फियर तो हम सभी को हो भी चुका है और हम इससे बेहतर अवगत भी हैं, तो हमको अब इस समय में बच्चों को कैसे डील करना है वो सिखाना है। फर्स्ट थिंग इज़ कि स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल होता है वो इस समय बढ़ जाता है, उसको नीचे लाने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें सीरोटोनिन और डोपामिन रिच फूड्स का इनको इनटेक कराना चाहिए। कौन से फूड्स ऐसे हैं जो इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाते हैं? तो वो हैं टर्मरिक, जो हमारी हल्दी होती है, करक्यूमिन इसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो इससे हम सीरोटोनिन और डोपामिन को बढ़ाते हैं। तो रिलैक्सेशन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन बढ़ता है, बच्चों में रिटेंशन पावर उससे बढ़ती है, जो भी वो कुछ याद करते हैं उन्हें लंबे समय तक वो मेमोरी में बना रहता है, तो रिकॉल करने में आसानी रहती है। अब टर्मरिक क्या है कि बेसिकली हम जो घर में हल्दी प्रयोग करते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में करक्यूमिन होता है। अब इसके लिए कोई यदि आप सप्लीमेंट ले लेंगे तो अच्छा रहता है। उसमें क्या रहता है कि इसकी एक निर्धारित मात्रा वो हमें लेना चाहिए, वो एक कुशल आहार विशेषज्ञ से आप प्लान करवा लें तो वो आपको बताएंगे कि आपको कितनी मात्रा एक सूटेबल डोज है। दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि हम आहार में बच्चों को इस समय बहुत ज़्यादा शुगर्स नहीं दें, शुगर्स के कारण हाइपर एक्टिविटी होती है और रिटेंशन पावर उससे कम हो जाता है और वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो इसलिए रिफाइंड फ्लोर्स जैसे कि मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें और हमारे शक्कर वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं देनी चाहिए जिनसे कि बच्चों का रिटेंशन खराब होता है। उसकी जगह पे आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट दें जिसके अंदर जैसे हम दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ें एक अच्छे हाई प्रोटीन्स के लिए देते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इनमें एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। इस समय हमें याद है कि नट्स का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए क्योंकि वो ओमेगा 3 रिच होते हैं, उसमें जिंक, मैग्नीशियम एंड उसमें आपको बहुत सारे ऐसी ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं जो बच्चों की रिटेंशन पावर को, मेमोरी को बढ़ाते हैं, तो नट्स का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। बेसिकली वॉलनट्स इसमें सबसे अच्छा आपको सहयोग देंगे, तो अखरोट से बनी हुई चीज़ें, पर अखरोट को भिगोएं नहीं, उनको आप ऐसे ही कच्चा ही दें क्योंकि भिगोने से उनके ओमेगा 3 फैट्स पानी में व्यथा ही बह जाते हैं, तो इसलिए आप उनको यूज़ नहीं करें, डायरेक्ट ही खाने दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें ब्रोकली और आपके सारी स्पिनच, पालक, जो भी हमारी मेथी है, हमारे सीजनल जो भी वेजिटेबल्स आते हैं वो सब अच्छे होते हैं, बच्चों को खाने दें और उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बना के दें जिसमें कि बहुत अच्छे से आप प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सबको एक निश्चित मात्रा में दें। रोजीना के खाने में जो बच्चे खा सकते हैं नॉनवेज, तो वो अंडा तो एक ज़रूर ही खाएं क्योंकि अंडे में एक कोलिन नाम का एक तत्व होता है जो कि रिटेंशन को बढ़ाता है। उसी तरीके से जैसे कि हम बच्चों में ये बोलते हैं कि बहुत अच्छे से आपको अपना डाइट को रोटी, दही, चावल, दाल इन सब से परिपूर्ण रखना है। जब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो उसमें सभी चीज़ें नियमित मात्रा में मिल जाती हैं, हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तो इसीलिए बच्चों को वैरायटी दें, ठीक है, शुगर्स कम दें और उनके लिए आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना के रखें। जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस समय उनको थोड़ा सा मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस करवाएं, इससे उनके ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं, भले ही बच्चों को यदि स्क्वाट्स, लंजेस ऐसा कुछ लगाना आता हो तो वो बीच बीच में 5-5, 7-7 ऐसे स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स ऐसी कुछ एक्सरसाइज कर लें, उससे भी उनका रिटेंशन पावर काफ़ी बढ़ता है। दूसरी चीज़ है कि हम एक्सरसाइज के साथ साथ में उनको जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ऐसा कुछ करवा सकें तो भी उनका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, रिटेंशन बढ़ती है।
और इससे अधिक जैसे कि वी हैव इनफ ऑफ फिश ऑयल्स एंड ओमेगा थ्रीज इन आर प्रॉपर फूड, तो आप उनको आने दें. बच्चों के रिटेंशन को अपने किचन से हम बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, वैसा उनको वातावरण दें. धन्यवाद.